ये आप देख सकते हो, अब मैं इस चुन्नी को तैयार कर रही हूँ। मैंने पहले कटिंग की थी, अब मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी। ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। आप देख सकते हो मैं सीधी साइड को आधे इंच के करीब जो धागे हैं हमको साथ के साथ काट लेने हैं, और काट कर इसमें सिलाई लगानी है आपको आधा इंच, ऐसे इस तरीके से एक साइड से फोल्ड करके। आप देख सकते हो ये मैं कटिंग करती जा रही हूँ धागे के साथ और सिलाई लगा रही हूँ। अब मैं इसको सीधी सिलाई चारों तरफ इसी तरीके से ही लगा लूंगी। आप देख सकते हो ये मैंने चारों तरफ सिलाई लगा ली है मशीन की, ये देखो। और जहां भी आपको धागा लगे कि हाँ धागा हमें काटना है, तो साथ के साथ धागे को काटते जाओ जिससे हमारी फिनिशिंग दिखाई दे। ये मैंने चारों तरफ सिलाई इसलिए लगाई है क्योंकि इसमें धागा निकल रहा था, और इस सिलाई को लगाने से धागा हमारा नहीं निकलेगा। और मैं इसके चारों तरफ अब लेस लगाऊंगी। ये देख सकते हो मैंने इस तरह की लेस ली है, ये आपके सामने है। आप इसको इस तरीके से भी लगा सकते हो, अंदर की साइड से भी, ये देख सकते हो आप, ये अंदर की साइड से भी लग सकती है और ये बाहर से भी लग सकती है, आप इस तरीके से देख सकते हो। लेकिन मैं इसको अंदर की ही तरफ लगाऊंगी, ये इस तरीके से। धागा साथ के साथ काटना है आपको, ये बस ध्यान रखना है। और इसको इस तरीके से, ये आप देख सकते हो जैसे मैंने चारों तरफ पहले सिलाई लगाई है, अब मैं इसी तरीके से ही चारों तरफ लेस को लगा लूंगी इस तरीके से। और देख सकते हो मैं सिर्फ लास्ट में बिल्कुल किनारे पे आ गई हूँ, मुझे ये किनारा मोड़ना है। जिसे मुझे देखो अभी मोड़ने में भी दिक्कत हो रही है, मैं किस तरीके से इसको मोड़ू, सफाई आए या ना आए, इस तरीके से भी होता है। कुछ लोग डायरेक्ट मोड़ लेते हैं इसको इस तरीके से करके, तो आप इस तरीके से भी ले सकते हो इसको। ये देखो मैंने सिर्फ इसको उठाया इस तरीके से किया है, और इस जो बूट होता है ये मशीन का, इसको हल्का सा ऊपर करा है और सुई को ऊपर लिया है, इस तरीके से करके मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया है। कुछ लोग इसमें सिलाई लगा के भी करते हैं, मैं आपको वो दूसरी वीडियो में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं आपको डायरेक्ट करना बता रही हूँ कि किस तरीके से मोड़ कर किया जाता है। आप देख सकते हो मैंने इसमें सिलाई लगाई है और आगे तक इसमें किनारे में साइड में जैसे लगाते हैं उस तरीके से मैंने सिलाई लगा के इसको किया है। फिर मैं दोबारा इसको किनारे तक लाऊंगी सिलाई को, और अब इसको सीधा सीधा मैं लगाऊंगी। ये देख सकते हो आप इस तरीके से, फिर मैं दोबारा से इसमें सिलाई लगाऊंगी। आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने चारों तरफ इसमें लेस को लगा लिया, और धागे को एक्स्ट्रा जो धागा होता है उसको मैंने काट लिया। अब मैं चारों तरफ से जो धागे निकले हुए हैं इनको मैं धागे को काट दूंगी। अगर आप चाहते हो कि ये और हैवी लगे तो इसमें आप बीच में भी, या फिर इतने चौड़े चौड़े बॉर्डर आते हैं लेस वगैरह के, तो आप उसको भी लगा सकते हो। ये देख सकते हो मैंने इस चुन्नी को तैयार कर लिया इस तरीके से। ये पूरी चुन्नी तैयार है माता रानी की, ये देखो।